बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज ईद का तीसरा दिन है और सब बच्चे इकट्ठे हैं। ये छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जिनमें ये बिस्किट, चॉकलेट्स और ये लेज़ हैं और सलांटी। ये छोटे बच्चों के लिए मंगवाई हैं ये चीज़ें, और बड़े बच्चों के लिए हम बना रहे हैं पकौड़े घर में। ये इसके लिए बेसन का घोल बना के रखा हुआ है, और जो कढ़ाई का हाल देखें क्या किया हुआ है, पकौड़े तल तल के। ये कुछ पकौड़े तल लिए, ये अब जी सारे पकौड़े तल लिए हैं तकरीबन, और थोड़े से रह गए हैं। ये कुछ जो है ना वो कढ़ाई में डाले हुए तलने के लिए, और ये बाउल में है। ये है जी फल, जिसमें खरबूजा और सेब। खरबूजा और सेब जो है ना इसको काट के रखा हुआ है, और साथ है स्ट्रॉबेरी। ये आइसक्रीम है जो इन्होंने काफ़ी देर पहले खाई थी, और इसके रैपर पड़े हुए हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, और स्ट्रॉबेरी जो है वाफर मकदार में बाज़ार में पड़ी है। लोग इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इंजॉय कर रहे हैं, हम इसको इसी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। हमारे घर में स्ट्रॉबेरी सबको बहुत पसंद है, सब बड़े शौक से खाते हैं। ये जी रात के खाने के लिए हमने मंगवाए हैं बाज़ार से चिकन पीस और साथ दही बड़े, और ये दही का रायता है। ये है तंदूरी खमीरी रोटी, ये दही का रायता है जो चिकन पीस के साथ मिला है। ये तीन लोगों के लिए है खाना, बाकी जो है उन्होंने अपना अपना खाना ले लिया है। ये तीन लोगों का खाना पड़ा हुआ है, और बाकी सब अपना अपना खाना ले के साइड पे हो गए हैं। ये जी मैंने भी अपने लिए खाना ले लिया है, जिसमें एक पीस लिए है चिकन पीस लिए है, और साथ ये दही का रायता है। और ये रोटी मैंने घर में बना ली है अपने लिए, क्योंकि मैं तंदूर की रोटी नहीं खाती। ये जी अब गरज चमक के साथ तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। आप गरज चमक और तेज़ बारिश इंजॉय करें। इसी के साथ हम वीडियो का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।